गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे आई एक्सप्लेन दिस टू टॉपिक्स, वैल्यू पेएबल पोस्ट एंड फ्रेंचाइजी, ओके, एंड वन मोर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ओके। थ्री टॉपिक्स टुडे आई विल कवर। फर्स्ट इज वैल्यू पेएबल पोस्ट, सेकेंड इज फ्रेंचाइजी, and third is consumer cooperative store. This topic is from chapter number internal trade. Chapter number is just wait. Chapter number 9. Okay, chapter number 9, internal trade. Now what is value payable post? Recovery of value of posted article from customers to provide it for under the VPP. इसका देखो value payable post का मतलब होता है कि ऐसा post office में ये जो service जो है ये post office के through दी जाती है, ठीक है। और ये value payable post इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे जो है ऐसे valuable सामान के ऊपर, ठीक है, वो VPP post अपन भेजते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान के चलो आप किसी को बहुत स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, पार्सल दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, मेडिसिन वगैरह भेज रहे हैं, या फिर कोई वैल्यूएबल चीज गोल्ड वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर डायमंड वगैरह भेज रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो ये जो है यहाँ पे वैल्यू पेएबल पोस्ट के ऊपर रहेगा रहता है, ठीक है, उसी पे ही करते हैं वीपीपी। Then what is the characteristics of this VPP? First is goods are introduced to probable purchaser through newspaper. ठीक है, ये जो गुड्स है वो इंट्रोड्यूस किसके थ्रू हुआ है? सबसे पहले न्यूज़पेपर के थ्रू, जो परचेसर है वो जो है न्यूज़पेपर में पढ़ के ही उसको गुड्स को इंट्रोड्यूस कराता है। दूसरा है आपका परचेस ऑर्डर इज सेंड थ्रू पोस्ट, जो भी परचेस ऑर्डर है वो सेंड किसके थ्रू पोस्ट किया जाता है, सेंड थ्रू पोस्ट, ऑर्डर ऑर्डर करना पड़ता है, परचेस ऑर्डर देना पड़ता है, उसको सेंड किया जाता है। थर्ड आपका गुड्स आर सप्लाई टू परचेसर थ्रू पोस्ट, ठीक है, गुड्स जो है वो सप्लाई करते हैं परचेसर के थ्रू, ठीक है, गुड्स सप्लाई करना होता है। देन आफ्टर होता है पेमेंट ऑफ गुड्स इन सेंड थ्रू पोस्ट, उसके बाद है पेमेंट किया जाता है पोस्ट के थ्रू ही। अंडर दिस सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग वीपीपी मेथड इज यूज्ड, इसी सिस्टम में जो है वीपीपी मेथड को यूज किया जाता है। देन एब्सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन परचेसर एंड सेलर, यहाँ पे सेलर और परचेसर के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बेटा। जिसको अभी ना हम लोग आज के डेट पे जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, वही जो है पुराने जमाने में वीपीपी था, ओके। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज टू कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है? पहला है गुड आर डिलीवरी एट होम, जो भी गुड डिलीवरी होगा वो जो है होम में होगा, घर पे आपके डायरेक्ट। गुड्स अवेलेबल रीजनेबल प्राइस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिडिल मैन, यहाँ पे प्राइस जो रहता है बहुत ही कम होता है क्योंकि मिडिल मैन यहाँ पे बीच में नहीं होते, कोई भी एजेंट नहीं होता इसलिए। नेक्स्ट है आपको गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट कैन बी परचेज, ठीक है, लोकल मार्केट में जो है लोग परचेस करते हैं इसको जाके। इट सेव कंज्यूमर अवेलेबल टाइम एंड मनी, कंज्यूमर के लिए जो है ये पैसा और टाइम दोनों ही बचाता है, ठीक है। मतलब आज के डेट पे जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, वही पुराने जमाने में वीपीपी था। नेक्स्ट है आपका टू बिजनेस, अब बिजनेसमैन के लिए क्या एडवांटेज है? पहला है आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन लोग के लिए जो है ये क्या है एक तरीके का प्रॉफिट मार्जिन रहना बहुत इजी हो जाता है बिजनेस लोग के लिए क्योंकि इसमें मिडिल मैन नहीं होते, कोई एजेंट नहीं होते हैं। नहीं तो क्या होता है प्रोडक्शन के बाद हमको एजेंट मिडिल मैन लोग को ढूंढना पड़ता है, देन उनके थ्रू जो है गुड्स को सेंड करना या सेल करना पड़ता है। बट यहाँ पर मिडिल मैन एबसेंट होते हैं इसीलिए कोई भी मतलब प्राइस बहुत इसका रिजनेबल रहता है, ठीक है, चीप रहता है। टू फियर सॉरी नो फियर ऑफ बैड डेट्स एट अ ट्रांजेक्शन,
कैरिड ऑन कैश बेसिस। इसमें जो है कोई भी बैड डेब्ट्स क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा कैश बेसिस है। ठीक है, आप पैसा दोगे और सामान लोगे। नेक्स्ट है आपका, कस्टमर कैन बी अटेम्प्ट टू बाय बाय डिक्लेयरिंग अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। जो बिजनेसमैन अगर अच्छा डिस्काउंट पे अगर कोई भी गुड सामान को बेचता है, तो उससे कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि देर आर मल्टीपल्स कस्टमर्स आर बाइंग दैट गुड्स। नेक्स्ट है आपका, नो नीड टू शॉप फॉर डिस्प्लेइंग और स्टोरिंग गुड्स। यहाँ पे कहीं पे भी आपको डिस्प्ले लगाने की जरूरत, जैसे आप दुकान वगैरह में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे बकायदा वो शोरूम टाइप अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं उसको, गुड्स की हर एक वैरायटी का गुड्स जो रहता है उसको शो करते हैं। ठीक है, विंडो के थ्रू। लेकिन इस ऑनलाइन बिजनेस में या फिर वैल्यूएबल पोस्ट में इस टाइप का कोई भी डेकोरेशन नहीं किया जाता है, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक स्टोरेशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, इकोनॉमिक इज एसर्टेन एंड द वेंडर इज सेफ फ्रॉम द अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट ऑफ शॉप, विंडो ड्रेसिंग, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जो है बिजनेसमैन लोग को कोई भी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो बियर नहीं करना पड़ता है, जैसे कि रेंट देना शॉप का, देन विंडो ड्रेसिंग करना, एम्प्लॉय लोग को सैलरी देना। ठीक है, ये सारी चीजों, इलेक्ट्रिसिटी देना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू डिलीवर होती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, इसलिए। नेक्स्ट है आपका, बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट डेली इन द न्यूज़पेपर ही एवेल्स हैवी डिस्काउंट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर पब्लिशर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेली न्यूज़पेपर के, डेली न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें एडवर्टाइजिंग दी जाती है, ताकि पब्लिशर जो है ज्यादा से ज्यादा हेवी डिस्काउंट में उसको अवेल करे और बिजनेसमैन उसको अवेल करे और लोग जो है उसको लोग जो उस डिस्काउंट का फायदा उठाए। ओके, द स्कोप ऑफ बिजनेस विडेंस। ठीक है, यहाँ पर वाइडनेस मतलब यहाँ पे जो है बिजनेस का ग्रोथ होना बहुत ही पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे जो है कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होती है, और साथ साथ में जो है जैसा कस्टमर को चाहिए रहता है गुड्स, उसी टाइप का ही गुड्स उनके होम तक डिलीवरी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, गुड्स कैन बी डिस्पोज टू अननोन पर्सन ऑल्सो, इट इज सेफ मोड एंड रिकवरी सेल प्राइस। और जो भी गुड्स जो रहता है वो अननोन पर्सन के थ्रू भेजा जाता है और सेफ मोड में, सेफ मेथड में भेजा जाता है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन दैट कस्टमर कैन बी चीटेड बाय सप्लायर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। देखो, कई टाइम ऐसा होता है ना कि जो कंज्यूमर सप्लायर जो होते हैं ना, उसकी जो गुड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स जो रहती है ना, वो सही नहीं भेजता है। ठीक है, तो एक तरीके से कस्टमर यहाँ क्या होता है, चीटेड होता है, मतलब उनको चीट किया जाता है। किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। सेकेंड है, देयर इज नो प्लेस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जिसके थ्रू जो है बहुत सारी चीजें, मतलब जो उनका कैश है वो उनको लगता है कि वो लॉस में गया है। थर्ड है आपका, कस्टमर लैक चॉइस ऑफ गुड्स। कस्टमर जो है, कस्टमर का जो चॉइस है गुड्स का, वो बहुत ही लैकिंग हो जाती है, कम हो जाती है। दे आर गिवन नो ऑप्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आपका, गुड्स कैन बी ओवर चार्ज डिसिप्टिवली एंड इनोसेंट कस्टमर्स मे बी चीटेड। दिस मैथड इज प्रिवेंटली सिटीज
सिटीज ओनली, ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, सिटीज वगैरह में ही होता है. देयर ऑलवेज एक्सिस्ट अ फियर ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक तरीके से जो है ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है इसको एक्सिस्ट किया जाता है. नेक्स्ट है आपका द होल ट्रेड डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट ओनली, ठीक है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पूरा होलसेल ट्रेडिंग की जाती है. नेक्स्ट आपका फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी इज द फॉर्मल परमिशन टू सेल द कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द पर्टिकुलर एरिया अगेंस्ट सम फिक्स सम मनी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा. इट इज डिफरेंट अवे ऑफ ट्रेडिंग गुड्स. देखो ऐसे कुछ कुछ कंपनियां होती है जो कि फ्रेंचाइजी दी हुई होती है उनके, क्योंकि वो वहां तक तो वो कंपनी वहां डायरेक्टली जा नहीं पाती, जिसके कारण कुछ एजेंट के थ्रू, एजेंट में नहीं बोला जाएगा, जो कंपनी जो फर्म डायरेक्टली कस्टमर के पास या उस एरिया तक नहीं पहुंचते हैं वहां तक जो है उनके कुछ स्मॉल शेयरिंग ऑफ एरिया होते हैं, उस एरिया में वो जो है बढ़ जाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज इन दिस फ्रेंचाइजी वे, जस्ट कॉफी हाउस, देन मैकडोनल्ड, बाटा, रायमंड्स, देन आफ्टर एयर इंडिया, ठीक है, इन लोग क्या करते हैं फ्रेंचाइजी में जो है एक्वायर किए हुए रहते हैं और उनके थ्रू जो है, उनके थ्रू या फिर जो है एजेंट के थ्रू जो है उनको उनसे बेचा जाता है. नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर. कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में क्या बता रहा है, देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द कंज्यूमर एंगेज इन द सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटेल बेसिस, ठीक है, एक तरीके से रिटेल बेसिस के ही तौर पे काम करते हैं. दिस बेसिक पर्पस इज एलिमिनेट मिडिलमैन, ठीक है, इनका मेन पर्पस यही होता है कि जो मिडिलमैन है उनको हटा दिया जाए. मिडिलमैन का मतलब होता है जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, ब्रोकर्स वगैरह, उनको हटा दिया जाए. द कस्टमर द कंज्यूमर जॉइंट टुगेदर टू इकोनॉमिक एंड रिटेन द प्रॉफिट फॉर द देमसेल्फ बाय बाइंग एंड सेलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, ताकि जो भी डेली रिक्वायरमेंट का जो चीजें है वो वहां से प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीद सके. फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार, केंद्रीय भंडार ऑफ दिल्ली एंड इट लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स. फर्स्ट इज एनी पर्सन मे बी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर्स. कोऑपरेटिव स्टोर्स के कोई भी मेंबर जो है वहाँ पर्सन जो है वहाँ के मेंबर बन सकते हैं. ऑल मेंबर्स हैव द इक्वल राइट्स. हर एक मेंबर को इक्वल राइट्स मिलता है. गुड्स आर सोल्ड इन कैश ओनली. वहाँ पे गुड्स जो भी सोल्ड होता है वो कैश में ही होता है. मेंबर्स of given dividend at the end of the year. जो भी member होता है end of the year में जो है उनको dividend मिलता है. Middlemen have no place. यहाँ पे कोई भी agent, कोई भी broker की जरूरत नहीं होती है. 1/4 of the net profit is transferred to reserve fund. 1/4 जो है नेट प्रॉफिट का, जो सालाना उनको नेट प्रॉफिट होती है ना, वो रिजर्व फंड में जो है ट्रांसफर की जाती है. मेंबर ऑफ द स्टोर इलेक्ट ऑफिस बियरर. जो भी मेंबर स्टोर करते हैं वो ऑफिस बियरर के थ्रू ही किए जाते हैं. गुड्स आर अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइस. जो भी गुड्स वहां पर मिलता है वो रीजनेबल प्राइस में मिलता है. परचेज ऑफ द शेयर इज नेसेसरी टू बी मेंबर. जो वहां के मेंबर लोग को शेयर परचेसिंग करना बहुत ही जरूरी होती है. नेक्स्ट है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या एम है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है. टू एलिमिनेट द ब्रोकर एंड मिडिलमैन. जो मिडिलमैन और ब्रोकर है इन लोग को हटा देना. मोनोपोली जो है मोनोपोली को खत्म करना. तीसरा है टू असिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल. एक तरीके से गवर्नमेंट के वो असिस्ट करता है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए. टू प्रोवाइड प्योर गुड्स क्वालिटी, गुड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर लोग को हमेशा गुड क्वालिटी देने के लिए ही वो इसका मेन उद्देश्य रहता है. टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेटिव एंड यूनिटी अमंग द पीपल. पीपल लोग के अंदर जो है यूनिटी बना रहे, ठीक है, एक अच्छी फीलिंग हो, क्रिएट हो, वो चीज चाहती है. टू प्रोड्यूस द सप्लाई गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द
पीपल, ठीक है, जो भी गुड्स कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो पब्लिक लोग के ही अकॉर्डिंग किया जाता है. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ओवर, वैल्यू पेबल पोस्ट फ्रेंचाइजी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स. नाउ क्लास इज ओवर.